हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वक्त हम हैं पाटन साहिब कीरतपुर पंजाब। यस, ये बॉर्डर लाइन एरिया पर आज का फर्स्ट डे है और हम जा रहे हैं सेंज वैली सांगड़। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लेट चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज डेट है 3 जनवरी 2022 है बिडू। देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। अभी हम खड़े हैं ओट ओट जगह है वो, जहाँ पे टनल है वो टनल, और यहाँ से इधर मनाली और भुंतर की तरफ जाता रास्ता, और उधर ना जाके अगर सीधा चले जाए तो ये सेंज वैली। कैसा लग रहा है रास्ता? डेंजरस रास्ता ही है, रोड तो है नहीं। यस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांगड़, और अब हम ऑन द वे हैं सांगड़ से बड़ सांगड़ की तरफ, सांगड़ के बीच में। और ये हमारे होस्ट हैं करण, उनके पास हम आए हैं। कैडी, क्या हाल है? तड़के पड़े हो? ये जगह का नाम क्या है? बड़ सांगड़ है ये जगह। और ये सांगड़ से कितनी दूर है? सांगड़ से 4 किलोमीटर फाल है। अच्छा, और 5 किलोमीटर गांव पड़ता है। सो व्हाट आर यू मेकिंग? पराठे बन रहे हैं भाई। कैडिन बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बनाया, और मेरे ख्याल से मल्टीग्रेन आटा ना इसमें। मल्टीग्रेन। तो इस तरह से शुरुआत हुई हमारी पहली इवनिंग की, जिसमें अब सब्जियां कट चुकी हैं, दोस्त मजा ले रहे हैं, आप देखते रहिए। पंडित कीर्तिकांत वो चीज बजा रहे हैं जो इन्हें बजाने नहीं आती, फिर भी सुन लीजिए। और अगली सुबह अगर ऐसी चीज देखने को मिल जाए तो कहना ही क्या। मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं सांगड़ पंचायत के बरसांगड़ विलेज का रहने वाला हूँ, और इसका मैं कुल 27 क्रिएटिव मैंने नेशनल पार्क में, आप ले लो बालू मिलेगा आपको, बाघ चीता जैसे जंगली गोल्ड, कक्कड़, ऐमो, बर्फानी तेंदुआ मिलेगा, रेड वालुआ कोई मिलेगा, ढीला GHNP के अंदर 1-7 दिन का ट्रैक है जी। हाँ जी, उससे ब्लैक बियर मैं और पापा ने, मतलब मैं बताऊँ आपको, मतलब 10-15 फुट के आसपास देखा है। इतनी जानकारी मिलने के बाद चलो बर्फ पड़ रही है तो थोड़ी स्टाइल मार ली जाए, क्यों? अभी हमारा सेकंड डे है और इवनिंग में हम खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठंड काफ़ी है, रात होने को है, तो हम तंदूर रूम में हैं और हमारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी। ये हवा दे रहे हैं, आग जला रहे हैं। सो कैडी जी, सर व्हाट आर यू डूइंग? सर हम आज बैंगन का भरता बनाएंगे, क्योंकि हमारे होस्ट की स्पेशल डिमांड थी कि आज भरता बनाया जाए बैंगन का, और बजाय के गैस पे भूनने के उन्होंने कहा कि तंदूर तो हमारे पास है ही, क्यों ना इसको आज तंदूर पे भूना जाए और देखते हैं इसका स्वाद कैसा रहता है उन्होंने। लेकिन मुझे जो आज अब इनसे बात सीखने को मिल रही है कि इन्होंने इस पे तेल लगा के एक कट दे के इसके अंदर कुछ लहसुन को डाल रहे हैं ताकि ये भी साथ में भुन जाए। ओह, ये तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा। ये देखो, ये साथ में इन्होंने डाल दिया है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहेगा। Yes.
हाथ में शराब सच बोलता। अच्छा पक्की बात है? मेरे हाथ में शराब सच बोलता हूँ मैं, ये चीज लाजवाब है, ये चीज लाजवाब है, सच बोलता हूँ मैं, मेरे हाथ में शराब है सच। छा गए गुरु छा गए। बोलता हूँ मैं, छलकाए जा रहन दे, आइए आपकी आंखों के नाम होठों के नाम छलका। ये तीसरी सुबह है, बुहार बूंदाबांदी हो रही है और अंदर हमारे मित्र अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, जो आंधी मी बरसात सुनो में कहीं नहीं छोड़ते। और ये है मासूम बचपन और बचपन के खेल, पड़ोस की बच्ची। दोस्तों जैसा कि आप सुन पा रहे हैं यहाँ बारिश हो रही है और हम अब देखते हैं कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, लाइट है नहीं। हेलो गाइस। हेलो हेलो मिस्टर कैड। यस सर बताइए क्या सिचुएशन है। सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है यार, कल से शाम से बारिश चल रही है, कल स्नोफॉल हुआ था, सारी स्नो बारिश ने धो डाली और अब आज लाइट भाग गई है दोपहर से, अब अंधेरे में कैंडल लाइट चल रही है अपनी। तो सारी रात ऐसे ही होने वाली है मुझे लग रहा है ऐसे ही आज। तो सारी रात नहीं, हम इसको इवनिंग कहेंगे, रात को तो वैसे भी हमें लाइट की ज़रूरत है नहीं, तो कैंडल लाइट में अभी हमारी ड्रिंक चलेंगी, खाना वाना बनेगा और इसको हम एज एंजॉय लेंगे। कीर्ति जी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आप जाना चाह रहे थे, क्या मूड है आपका, भागने का मूड है क्या? बस सोच रहा हूँ कल किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि घर जाना भी जरूरी है। अच्छा तो सोच रहे हैं कि कल बारिश का माहौल रहा तो निकल जाएंगे। हाँ बारिश के माहौल में तो निकलना अच्छी बात है। पहली बार पता लग रहा है कि पहाड़ों में बारिश के मौसम में निकलना अच्छी बात है। रोड क्लीन मिलेंगी। अच्छा गाड़ियाँ ठीक ठाक जाएंगी, रिस्क नहीं है बारिश में, अच्छी बात है। दया साहब अभी जो है खाने की व्यवस्था की जाएगी, कैंडल लाइट डिनर तैयार किया जाएगा। तो मेन्यू पास हो चुका है रात के डिनर का, अभी थोड़ी देर में उसकी व्यवस्था करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 6 जनवरी हमारा ट्रिप का 4th डे और 2-3 दिन के बर्तन हो चुके हैं, जिनको हमारे मित्र बड़ी शिद्दत से ठंडे पानी में धो रहे हैं। दो दो लोग मिलके इतने बर्तनों पर लगे हुए हैं। 600 किलोमीटर आके भी ये काम पीछा नहीं छोड़ रहे हैं हमारा। इसके बाद ब्रेकफास्ट करके इन बादलों से परे जाया जाएगा, देखते हैं इनके परे क्या है। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है सांगड़ की तरफ, जहाँ इसको ट्रैक करने जा रहे हैं। क्या फीलिंग है? रास्ते के पत्थर को हटा दिया, किसी को दिक्कत देता? ये
बच्चे भी न्यू पार्क में हैं। ये है सांगड़ का मशहूर मैदान मैसूर और जैसा कि हमने बताया कि 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके बड़सांगड़ से हम यहाँ आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मोर साहब काफ़ी शांत हैं, 3 बार आ लिया तो अब की बार कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं? ना, कोई एक्साइटमेंट नहीं। ओहो, ओके। लेकिन आने वालों के लिए क्या कहोगे, कैसी जगह है? एक बार तो आने की है, एक बार आने की। किस समय आना चाहिए? मेरे हिसाब से समर में आना चाहिए, जून जुलाई में, क्योंकि वो ग्रीन होता है उस समय। उस समय ग्राउंड ग्रीन होता है और इजीली आप आ भी सकते हो। अभी बर्फ़ गिरने के बाद थोड़ी मुश्किल हो जाती है गाड़ी वगैरह चलने। राइट। और सुविधाएं यहाँ पूरी हैं सांगड़ में? हाँ, अभी पहले से बेटर हो गई है। आपको खाने पीने का, रहने का सब कुछ मिल जाएगा। ठीक। और अब तो शायद कनेक्टिविटी भी बेटर है पिछले साल के मुकाबले। इवन रोड बन चुका है जहाँ हमारी गाड़ी खराब हुई थी। बिल्कुल, जो पहले कच्चा था वो अभी इन्होंने पक्का कर दिया। क्या नाम है बाबू जी आपका? लगनचंद। लगनचंद। क्या उम्र है आपकी? उम्र का पता नहीं। पता नहीं है? स्वस्थ है पूरे? सेहत ठीक है? करते क्या हो? ऐसे घर में अमित चश्मा, गाय चराने काम करना। अच्छा, कितना बड़ा परिवार है आपका? 6-7 है। 6-7 है। बच्चे कितने आपके? एक लड़का, 2 लड़की और फिर पोता पोती? एक पोता, दो पोती। चलो बढ़िया। सुनीलाल जी, आपके हिसाब से इनकी उम्र कितनी है? 59 साल। 80 से ऊपर होगी? 89। 8-9। अभी 8-9। 90 करीब हैं ये। और इनकी आप सेहत का राज देख सकते हैं। पूरे हमारे वीडियो में पूरे हमारे साथ नाचे हैं, पूरा मजा किया इन्होंने। और बड़ी अच्छी बात है कि इतने स्वच्छ वातावरण में रहकर आदमी की उम्र तो बढ़ती ही है। चाहे हम भी रहने लग जाएं यहाँ तो हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी। सुनीलाल जी, आपकी कितनी है? मेरी है 59। 59 के तो आप लगते भी नहीं हो चेहरे के हिसाब से, तो बिल्कुल भी। 50 की उम्र लगती है आपकी अभी देखने। एक बार फिर से उसी जगह पे जहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। यस, हमारे होस्ट के साथ उस वक्त वेलकम था और अभी है फेयरवेल। क्या कहना चाहिए? हाँ मैं चाह रहा था अभी 2-4 दिन और रुका जाता, पर कीर्तिकांत की वजह से कुछ असमर्थता दिखाई दी, इसका अफसोस रहेगा। मैंने सोचा था 10 तारीख तक तो रुकेगी आप लोग। अमित जी, आपका जाने का मन है? बड़ा अच्छा रहा, मन कर रहा है कि अभी नहीं जाया जाए। ये हवा कम होगी, अब चेक करा रहे हैं कि पंचर है या नहीं है। दोस्तों, सुबह के तकरीबन 3 बजे हैं और हम चले हुए हैं खरड़ अम्बाला से लेकर घर तक। और आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी ट्रिप और ये फ़नी सा वीडियो पसंद आया होगा। आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ यादों के साथ हमारे फ़ोटोज़। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।